हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल रिटर्न ऑफ द इमोर्टल एम्परर के एपिसोड नंबर 7 के साथ हाजिर हूं। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो लास्ट एपिसोड में देखा था कुंग यांग ने एक एरे बनाया था जिसे स्प्रिट एनर्जी गैदरिंग एरे कहा गया था, तो वहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड नंबर 7 के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है अंकल मिंग कुंग यांग से पूछते हैं, आप सिर्फ एल्केमी ही नहीं बल्कि मैं आप एरे फॉर्मेशन बनाना भी जानते हैं। और ये देखकर अंकल मिंग बहुत ज्यादा शौक होते हैं और हैरान भी होते हैं। और कुंग यांग तो बढ़िया चिल मारते हुए वहां से जा रहा होता है, तभी जो कुंग यांग है वो अंकल से कहता है, यहाँ ये एरे फॉर्मेशन में तो कुछ भी ज्यादा स्पेशल नहीं है। और जैसे ये सुनता है तो जो अंकल मिंग होते हैं वो बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। तभी अंकल मिंग होते हैं वो कुंग यांग से कहते हैं, जो एरे फॉर्मेशन बनाना जानते हैं वो एल्केमी के मास्टर से भी ज़्यादा प्रीशियस होते हैं और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी रखते हैं सभी के लिए। और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि मुझे क्या, ये तो पूरी तिन्यान सिटी को पता है कि यहाँ का नंबर वन तिन्यान सिटी में एरे बनाने वाले बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं। और आपको एरे बनाना आता है, आप सच में एक जीनियस है यंग मास्टर। तभी कुंग यांग मुस्कुराते हुए बोलता है, मुझे 3000 साल इमोर्टल वर्ल्ड में रहा हूँ, मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस है इन सब चीजों का कि कैसे चीजें बनाते हैं। पर मैं ये सुनकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ, ये सभी का रिएक्शन होता अगर कोई भी ये चीज देखता तो सभी यही सोचते। तभी कुंग यांग अंकल के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, अंकल आप कम से कम 5 सालों से अपना कल्टीवेशन लेवल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका कल्टीवेशन लेवल 7 स्टार से ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है और आप लेवल अप नहीं हो पा रहे हैं। तभी अंकल में कुंग यांग से कहते हैं, यंग मास्टर आपको ये कैसे पता। कुंग यांग उसकी तरफ देख रहा होता है और कुंग यांग उस तरफ देखते हुए बोलता है, ये तो थोड़ा पक्का है क्योंकि मुझे आपके पीछे कुछ ऐसे भूत जैसा कुछ दिख रहा है। और जैसे ये सुनते हैं अंकल मैंग एकदम से शॉक हो जाते हैं और सरप्राइज्ड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। और तभी कुंग यांग मन में सोचते हुए बोलता है, अंकल मैंग है वो यून फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इन्होंने यून फैमिली के लिए कम से कम इतने लोगों को मारा है कि 4 डिजिट में इसका नंबर गिना जा सकता है। और कुंग यांग बोलता है, जो ईविल ऑरा है वो कल्टीवेशन के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है लेकिन एक आम इंसान के लिए ये बहुत ज़्यादा परेशानी भरा होता है। तभी कुंग यांग अंकल मैंग से कहता है, क्या आपको मुझ पर भरोसा है। तभी वो अपना हाथ अंकल मैंग के सीने पर जहाँ पर कल्टीवेशन सेंटर होता है वहाँ पर रखता है और एनर्जी सोर्स को थोड़ा सा दबाने लगता है। जब कुंग यांग अंकल मैंग के कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाने की कोशिश करता है, मतलब चेंज करने की जिससे डीमोनिक पावर हट जाए, तभी एक मतलब लाइट सी जलने लगती है और अंकल मैंग ये देखकर बोलते हैं, यंग मास्टर आप मेरे साथ क्या करने की सोच रहे हैं। और जब ये कर रहे होते हैं तो अंकल मैंग देख रहे होते हैं, लाइट जनरेट हो रही होती है बहुत ज़्यादा। अंकल मैंग सोच रहे होते हैं आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर। तभी अंकल मैंग कहते हैं, मुझे अपने मास्टर पर पूरा भरोसा है, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता कि यंग मास्टर मेरे साथ क्या करते हैं और क्या करवाते हैं, मैं मना नहीं करूँगा और सारे के सारे काम करूँगा। और ये सुनते ही जो कुंग यांग है वो कहता है, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है और एक स्माइल मारते हैं, पावर को रिलीज करता है और उसकी पावर के कारण जो अंकल मैंग की जो ब्लैक डिमोनिक एनर्जी होती है वो बाहर निकलने लगती है और कुंग यांग अपनी ताकत से बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहा होता है। तभी जो ब्लैक डिमोनिक एनर्जी है वो कुंग यांग के अंदर चली जाती है और आजू बाजू बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट हो रहा होता है ये देखकर, और कुंग यांग ब्लैक डिमोनिक एनर्जी को अपने अंदर खींच रहा होता है और वो पूरा काम कर लेता है। और तभी ये देखकर जो अंकल मैंग होते हैं बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और वो कुंग यांग से बोलते हैं, यंग मास्टर अभी अभी आपने मेरे साथ क्या किया, ये बहुत ज़्यादा औसम लग रहा है, बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है, क्या अभी अभी आपने मेरे ऊपर जो ईविल ऑरा था उसे हटा दिया है। और अब अंकल मैंग के जो आसपास है वो ईविल ऑरा की जगह पर एक ब्लू लाइट कलर दिख रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था जो कि। तभी वो अपना लेवल देखता है और बोलता है, क्या मैं 8th लेवल पर हूँ, पर मैं तो अपग्रेड हो ही नहीं रहा था 5 सालों से, लेकिन अब यंग मास्टर ने मेरे ऊपर से ईविल ऑरा हटा दिया है तो अब मैं अपग्रेड हो सकता हूँ। तो अब यंग मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी इतनी ज़्यादा मदद की। तभी कुंग यांग अंकल मैंग से कहता है, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप खड़े हो जाइए। और कुंग यांग अंकल मैंग से बोलता है, आप मेरे सब ऑर्डिनेट हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। और बोलता है, मैं अपने भाई को हारने नहीं दूंगा। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, पीछे से एक आवाज़ आती है, वो आवाज़ आते हुए बोलता है, ब्रदर यान।
तभी जो कोयांग कुंगयान का जो कजन होता है वो वहां से भागता हुआ आ रहा होता है और सीरिया कोयांग से बोलता है, अपना जो सामान वामान है वो पैक करो और मेरे साथ यहाँ से निकल लो, मेरे डैड ने सारे के सारे अरेंजमेंट कर दिए हैं ताकि तुम यहाँ से कहीं जाकर निकल जाओ, कहीं जाकर छुप जाओ। कुंगयांग का जो कजन है वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और जब ये कुंगयांग सुनता है तो कुंगयांग कजन से बोलता है, तुम क्या कह रहे हो? उसका कजन कुंगयांग से बोलता है, यान कुंग लौट आया है उसे, और उसने ये भी पता कर लिया है कि उसके जो कजन है उसके युए को युन युए को तुमने मार दिया है और तो और वो डुअल के समय वो तुम्हें मारना चाहता है युन युए का बदला लेने के लिए। और तो और मेरे डैड ने ये भी सुना है कि यान कुंग का जो लेवल है वो भी अपग्रेड हो चुका है, वो पहले 6 था लेकिन अब उसका लेवल 7 हो गया है। और तभी जो कुंगयांग का कजन है वो डरते हुए उससे बोलता है, अगर तुमने अभी इससे लड़ाई की तो बहुत ज्यादा मुसीबत खड़ी हो जाएगी, अभी अभी तुमने सिर्फ लेवल 5 को गेन किया है और उसका लेवल 7 है, ये तो मरने से भी बहुत ज्यादा डिफरेंट है। और वो उसे उसे भागने के लिए बोल रहा होता है और तभी जो कुंगयांग है वो अपने कान में उंगली करते हुए बोलता है, या कुछ नहीं कुछ नहीं, ये सब तो मेरे लिए कुछ नहीं, मैं संभाल लूंगा, कोई बात नहीं। और तभी कुंगयांग अपने कजन से बोलता है, ब्रदर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, और बोलता है यांग कुंग कितने भी प्रैक्टिस कर ले, कितना भी मुसीबत खड़ी करने की कोशिश कर ले मेरे खिलाफ, लेकिन वो मुझसे नहीं जीत सकता और वैसे भी वो तो मेरे लिए कोई ज्यादा बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन उसका कजन होता है वो चिंता कर तो बोलता है, लेकिन कुंगयांग तभी कुंगयांग उसे हाथ दिखाते बोलता है, अब कोई बात नहीं छोड़ दो इस मैटर को। तभी कुंगयांग अपने कजन से बोलता है, कजन क्या तुम देख सकते हो जो अपना गार्डन है वो पहले से ज्यादा डिफरेंट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जरा ध्यान से देखो। तभी जो कुंगयांग का ब्रदर है वो चारों तरफ देखने लगता है और बोलता है, डिफरेंट किस तरीके से? और जब वो ऊपर देखता है तो उसके पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि ऊपर जो ऑरा गैदरिंग एरे था वो लगा हुआ था और सारी की 8 माइल्स की सारी एनर्जी एक जगह पर इकट्ठी हो रही थी, वो भी इसके गार्डन में। जब ये देखता है तभी उसका कजन बोलता है, यहाँ की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो डबल कैसे हो गई और यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी बह रही है यहाँ अपने गार्डन में? तभी जो अंकल मैंग है वो खुश होते हुए बोलते हैं कि मास्टर ज्वान यंग मास्टर कुंगयांग ने स्पिरिचुअल गैदरिंग एरे सेटअप किया है। और जैसे ही जो कजन होता है ज्वान है उसका नाम, जैसे ही वो ये सुनता है स्पिरिचुअल गैदरिंग एरे वो एकदम से शॉक हो जाता है। तभी उसका ब्रदर कुंगयांग से बोलता है, कुंगयांग क्या तुम जानते हो कि एरे कैसे बनाते हैं? तभी कुंगयांग अपने ब्रदर से बोलता है, हाँ मुझे एरे बनाना आता है और ये एरे मैंने अपने लिए नहीं बनाया है, ये स्पिरिचुअल गैदरिंग एरे मैंने तुम्हारे लिए बनाया है ब्रदर, मैंने अपने अंडरलिंग से ये सुना है कि आपका सिर्फ लेफ्ट आर्म ही नहीं टूटा बल्कि मैं आपका जो स्पिरिचुअल सीड होता है जहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठी होती है जनरेट होती है वो भी आपका तबाह हो चुका है, इसी कारण से लोग आपको बुली किया करते थे, परेशान किया करते थे। और तभी जो कुंगयांग होता है उसके हाथ को देखते हुए बोलता है, जब हमारा ड्वेल खत्म हो जाएगा तब मैं अंकल और तुम्हारे मदद करूंगा यहाँ पर रहने के लिए, मैं यहाँ पर एरे सेट करूंगा और तो और यहाँ पर ट्रीजर भी रखूंगा अपना खजाना, मैं तुम्हारे हाथ को बिल्कुल एक पहले की तरह ठीक कर दूंगा और तो और तुम्हारा जो स्पिरिचुअल सी है मैं उसे भी ठीक कर दूंगा और तुम एक बार फिर से मार्शल आर्ट की दुनिया में वापस आ जाओगे और जिसने भी तुम्हारे साथ ये किया है मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हारे सामने घुटने टेके और वो मरने के काबिल है और मैं ये भी चाहता हूँ कि पूरी त्रिनयन सिटी ये जाने जबकि मैं वापस आ चुका हूँ तो मैं जिन लोगों से प्यार करता हूँ जो मेरे लिए मायने रखते हैं उन्हें कोई भी परेशान ना करे। और तभी जो उस कुंगयांग का जो कजन जुआन होता है वो एकदम चुप रहता है और कुछ बोलने की कोशिश करता है, तभी जो कुंगयांग है वो पीछे देखते बोलता है, जुआन आखिर हुआ क्या? तभी हमें जुआन को दिखाया जाता है, जुआन रो रहा होता है, उसकी आंखों से वो इतना इमोशनल हो जाता है कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो बोलता है, कुछ नहीं हुआ ब्रदर, मैं बस ये सोच रहा था कि मैं बहुत ज्यादा लक्की हूँ जो मेरे पास तुम्हारे जैसा भाई है और मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा किस्मत वाला हूँ। तभी हमें ड्वेल का डेथ दिखाया जाता है और लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि ये तो अनएक्सपेक्टेड है, जो इंसान 3 साल पहले गायब हुआ था वो अचानक से वापस आ गया। तभी जो लोग होते हैं वो बोलते हैं, ये कोई बड़ी न्यूज नहीं है, बड़ी न्यूज तो ये है कि जो त्रिनयन सिटी में नंबर 1 था, जो उसका लेवल था वो बढ़ने की जगह पर घट गया है, और बोलते हुए जा रहे होते हैं, कुंगयांग को तो देखो कितनी ज्यादा हिम्मत बढ़ गई है उसमें, उसका लेवल इतना कम है लेकिन फिर भी उसने यांग कुंग को चैलेंज कर दिया है बस वारिस की पोजीशन के लिए,
ये कोई बहादुरी नहीं है, ये तो बस एक बेवकूफ है, उसे बस पावर का लालच है और कुछ नहीं, इसलिए उसने चैलेंज कर दिया है यांग कोई को। मुझे लगता है वो नहीं चाहता ज्यादा जिंदा रहने के लिए। तभी एक बंदा बोलता है, इसमें क्या है, जो यांग कोई है उसने तो अभी अभी लेवल अपग्रेड किया है, 6th से 7th हो चुका है उसका लेवल अब। तभी जो बंदे होते हैं वो बोलते हैं सरप्राइजली कि सच में यांग कोई ने अपना लेवल 7th कर लिया है, क्या कोई यहाँ पर मरना चाहता है जो उससे डोल कर रहा है। तभी हमें दिखा जाता है लोग ऊपर की तरफ देखते हैं और बोलते हैं यांग कोई आ गया है, यांग कोई आ चुका है। तभी यांग कोई को हमें दिखाया जाता है जो हवा में लटक रहा होता है और वो हंसते हुए बोल रहा होता है सभी से, अपना ज्यादा कमेंट दिखा रहा होता है, आज तुम्हारे मौत का दिन है। और तभी जो एल्डर होते हैं वो यांग कोई से कहते हैं तुम ज्यादा जोर मत देना उसको मारने के लिए, तुम जब तक अपने भाई को नहीं मारते हो जब तक उसका चेहरा अगली ना दिखने लगे, समझे। तभी जो बाकी के एल्डर्स होते हैं वो इस ग्रैंड एल्डर के पास आते हैं और बोलते हैं काफी समय हो गया है, हम काफी टाइम से नहीं मिले हैं, आपसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और तभी जो यांग कोई होता है वो बोलता है क्या ग्रैंड एल्डर को ग्रीटिंग्स दे रहे हो, मुझे माफ कर देना इस छोटे से डॉल के लिए आप सभी को यहाँ पर बुलाना पड़ा, ये तो बस एक छोटा सा डॉल है जो मेरे और कुंगयान के बीच में हो रहा है, मैं पक्का कह सकता हूँ कि कुंगयान जैसा कचड़ा यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं करेगा। एक वो है जो पहले नंबर 1 था, नंबर 1 जीनियस था यूनिवर्सिटी में, और लेकिन अब एक वो है जो अभी करंट में जीनियस है, यून फैमिली का नंबर 1 जीनियस, ये ड्यूअल तो बस एक सेंचुरी के बराबर है। और सभी लोग कुंगयान का मजाक उड़ाने लगते हैं और हंसने लगते हैं। तभी एक बोलता है भला हम इतने इम्पोर्टेंट ड्यूअल को कैसे भूल सकते हैं। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कुंगयान और जुआन और अंकल मैंग वहाँ सामने से आते हुए दिखाई दिए जाते हैं। तभी जो कुंगयान है सामने तरफ ग्रैंड एल्डर की तरफ देखते हुए बोलता है ये ग्रैंड एल्डर बल्कि मैं सभी एल्डर को सपोर्ट, 3 एल्डर को सपोर्ट नहीं कर रहे बल्कि मैं तेरियान सिटी के काफी सारे लोगों को भी कर रहे हैं, तभी लोग उनके साथ हैं, और तो और अंकल जो मेरे अंकल हैं वो तो यहाँ के लीडर हैं लेकिन फिर भी उनको कोई भी सपोर्ट करने के लिए नहीं आ रहा है, और जो उसके अंकल होते हैं वो थोड़े से उदास होते हैं ये सुनकर। और तभी ये देखकर कुंगयान को गुस्सा आता है और वो बोलता है मुझे लगता है कि मुझे ये फैमिली को क्लीन करना पड़ेगा, जो कचरा है वो यहाँ से निकालना पड़ेगा। तभी एक बंदा सामने खड़ा होता है बोलता है यांग कोई तो इतना ज्यादा हाइट तक उड़ भी सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है यांग कोई उड़ अपनी पावर्स के जरिए उड़ रहा होता है और वो शो ऑफ कर रहा होता है बहुत ज्यादा। तभी जो दूसरा एल्डर होता है वो ग्रैंड एल्डर से बोलता है आपको बधाई हो यांग कोई एक बार ये डॉल जीता है, फिर वो नया वारिस होगा इस फैमिली का, और वो अपनी पावर के साथ नीचे एंट्री मारने की कोशिश करता है। तभी यांग कोई कुंगयान से बोलता है कुंगयान तुम यहाँ पर मरने के लिए आ गए हो, लेकिन कुंगयान उस पर ध्यान नहीं देता और उसके तो शौक हो जाता है एकदम से ये देखकर यांग कोई, और उसकी तरफ देखता है जरा मेरी तरफ ध्यान तो दो मैं यहाँ पर तुमसे कुछ बात कर रहा हूँ। और कुंगयान को दिखाया जाता है कुंगयान अपने भाई को देख रहा होता है, उसका भाई जुआन बहुत ज्यादा कांप रहा होता है डर के मारे, वो किसी चीज को देखकर डर गया होता है बहुत ज्यादा। और तभी कुंगयान उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, और तभी जो यांग कोई है वो कुंगयान से बोलता है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और तभी जुआन होता है कुंगयान का जो भाई होता है कजन होता है वो बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है, उसके पसीने छूट रहे होते हैं किसी चीज को देखकर। तो इसी सरप्राइज के साथ एपिसोड नंबर 7 खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।